रुक जाइए आप सब। वीर सरदार और उनका समाज समाज हमें आशीर्वाद देने आए। बस इसीलिए आप हम खेलों के मन में बसते हैं कुंवर प्रताप। किंतु भील सरदार, मात्र आशीर्वाद से काम नहीं चलेगा, आपको हमें भेंट या उपहार देना होगा। आप कहें तो शीश काट के चढ़ा दें, अपना प्राण दे दें। नहीं नहीं, इस समय हम केवल इतना चाहेंगे कि आप और आपका ये पूरा समाज हमारे साथ हमारी बारात में सम्मिलित हो जाए। गौर प्रताप की जय। गौर प्रताप की जय। गौर प्रताप की जय। कुंवर सा देते हम ये दुआएं, पग पग लेते सारी बलाएं, जो है आपका ही हुकुम, राख जो आशीर्वाद, राख जो आशीर्वाद, राख जो आशीर्वाद। कुंवर सा धन्य हुए प्रजाजन, भाई सा आने वाली है, कैसे बताएं, शब्द नहीं है, अजब से एक खुशहाली है। ले चलो घोड़ी कुंवर सा, जल्दी लाओ भाई सा, कुंवर सा धन्य हुए प्रजाजन, भाई सा आने वाली है, कैसे बताएं, शब्द नहीं है, अजब से एक खुशहाली है। कुंवर सा भाई सा रो हाथ है सर पर, अब धन्य हुआ ये जीवन, अब धन्य हुआ ये जीवन, हो जो कोई कष्ट उन्हें तो शीश हमारा अर्पण, शीश हमारा अर्पण। कुंवर सा धन्य हुए प्रजाजन, भाई सा आने वाली है, कैसे बताएं, शब्द नहीं है, अजब से एक खुशहाली है। ले चलो घोड़ी कुंवर सा, जल्दी लाओ भाई सा, कुंवर सा धन्य हुए प्रजाजन, भाई सा आने वाली है, कैसे बताएं, शब्द नहीं है, अजब से एक खुशहाली है। हमारी गणना के अनुसार आज रात नवविवाहिता पत्नी का उसके पति से मिलन अत्यंत ही शुभ है। तो संभव है कि इस मिलन के परिणाम स्वरूप एक सुंदर राजकुमार के आने की संभावना भी बन जाए। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी, आपने तो हमारे मन की बात कह दी। हम अभी इसके लिए यथोचित तैयारियों के आदेश दे देते हैं। वैसे महारानी शाह, आप जैसा विशाल दल हमने कहीं नहीं देखा। आप एक मिसाल है। जो पति आपको इतना प्रिय है, उन्हीं को उनकी नई पत्नी के साथ आपने सहस्र स्वीकार किया और अब उन्हें निस्वार्थ भाव से मिलाने के बारे में भी सोच रही हैं। आज के समय में अपनी सौतन के लिए ऐसा स्नेह भरा व्यवहार, ऐसा साहस, ऐसा बड़प्पन हमने तो नहीं देखा महारानी शाह। इसमें साहस की क्या बात है पंडित जी, मन में सच्चा प्रेम होना चाहिए और वीर भाई जी तो हमारे छोटी बहन की तरह ही है। अच्छा महारानी शाह, अब आज्ञा दीजिए। जीजा, ये पंडित जी यहाँ किस लिए आए थे? कुछ नहीं, वो अजबदे के लिए भेंट उपहार तैयार हो गए जी। चलिए हम भी एक बार देख ले जरा। आरती का थाल अभी तक सजा नहीं? सुनो, जाओ और इसमें चंदन, कुमकुम और चावल ला लिए, जाइए। अंता भाई जी, बारात के स्वागत की सभी तैयारियां हो चुकी हैं। राव जी, सब हो चुका है, बस
आरती का थाल सज जाए। आरती का थाल अब तक तैयार नहीं हुआ है? चाहे कितनी भी तैयारियां कर लो, अंत में कुछ न कुछ तो बच ही जाता है। जिस समय आराम से बैठ के बारात की प्रतीक्षा करनी होती है, उसी समय सबसे अधिक भगदड़ मची रहती है। राव जी, आपने और हमने कितने समय से इस दिन का, इस पल का सपना देखा था, अब जब वो आ गया है, वो दिन, वो पल, तो प्रसन्नता मनाइए, हर्षोल्लास में डूबिए। सही कहा आपने, जिस दिन का सपना देखा था वो आ ही गया है। हंसा भाई जी, वो मोती वाला हार कहाँ है? अम्मा गणी राव साहब, बारात आ गई है। बारात आ गई। अब कुछ ही दिनों में मेवाड़ के वर्तमान राजा, भविष्य के राजा, इनका बहिष्कार कर देंगे और फिर धीर भाई जी की हैसियत एक दासी से भी कम होगी। अब हमारा कुंवर प्रताप के साथ विवाह होने जा रहा है छोटी माँ, अब आपकी सोच भी बदल जाएगी छोटी माँ, और कुंवर प्रताप के साथ साथ हमें भी आशीर्वाद मिल जाएगा छोटी माँ। किसी ने जानने का प्रयास किया कितनी कड़ी सुरक्षा वाले महल से वो सोने की तलवार कहाँ गई? वो तलवार खोई नहीं थी, वो तलवार चुराई गई थी। किंतु तलवार चुराने के बाद विवाह भंग ना हुआ तो आपने कुंवर प्रताप को अपना लक्ष्य बना डाला। लगन वाली हल्दी में विषाक्त रसायन मिला ताकि जब उन्हें लगन वाली हल्दी लगे तो तलवार हमने चुराई, हल्दी में विषाक्त हमने मिला। अजब देश है तू मैं, हमने की और आपने क्या किया? सबके सामने सती सावित्री बनकर रह गए। भगवान ने जाना तो एक दिन आपकी हर बात का एक एक करके हम बदला लेंगे। सब जान संभवतः आप ये छोटी माँ कभी नहीं चाहती थी कि हमारा आपसे विवाह, और ये बात तो इन्हें स्वयं हमें बोल चुकी। हमें नहीं पता कि महारानी उमा देवी जी के शरण में इनका कितना हाथ है, किंतु हम इतना अवश्य जानते हैं कि ये उनसे अधिक जानती हैं षड्यंत्रों के बारे में। बड़े घमंड से लाए थे ना इसे तिलक में रखने के लिए, अब इसी तलवार से आपकी दुस्साहसी पुत्री का सर अलग करेंगे हम। क्या लगता है हो जाते विवाह के पश्चात आपके सारे सपने पूरे हो जाएंगे? तो ऐसा हम होने नहीं देंगे, ऐसा नहीं होने ही होने। अब चाहे हमें हमारे ही प्राण क्यों ना त्यागने पड़े, परंतु आपको जीवित नहीं छोड़ेंगे। आपको जीवित नहीं छोड़ेंगे। वैसे हम इतने तनाव में और आप एक इसी में जुटी हुई हैं। मिल गया रमा, ये देखो ये जो धागा है ना इसे काटो। और हमें ये धागा दिख भी नहीं रहा है तो फिर किसी और को कैसे दिखेगा? हमें तो दिख रहा है ना रमा, ये काटो। अच्छा अभी आप बिन्नी है और आपको एकदम सही, एकदम अच्छा दिखने त्रुटि है। और हमें तो लग भी नहीं रहा है कि हम त्रुटि है। वो कहते तनाव में। अम्मा खड़ी पैसा, खम्मा खड़ी पैसा, कुंवर प्रताप आ गए हैं भारत लेकर। कैसी है बारा? बहुत विशाल, बहुत भव्य, बहुत ही सुंदर। खम्मा खड़ी पैसा, कुंवर प्रताप घोड़े में बैठकर पुरुष की तरह लग रहे हैं। वो सब छोड़ी और आप हमें ये बताइए कि कुंवर प्रताप प्रसन्न है या नहीं? अच्छा ये प्रश्न इनसे पूछने वाला है क्या? आप ठीक कह रहे हैं, हम मेरा एक काम कीजिए,
आप जाके देखिए ना कि कुंवर प्रताप प्रसन्न है या नहीं। हम आपको अंतिम बार कष्ट दे रहे हैं, जाइए ना। देखो कुंवर सा ले जाने अपनी दुल्हन, ले जाएंगे अपनी बाई सा, झूम उठा है सबका मन। अनोखी सबसे जोड़ी होगी, लागे नजर ना किसी की हो। आ गए देखो कुंवर सा ले जाने अपनी दुल्हन, ले जाएंगे अपनी बाई सा, झूम उठा है सबका मन। नहीं रहे कुंवर प्रताप, वो देखिए भाई साहब दे रहे हैं घोड़े पर। वैसे जब तक आप मुंह नहीं खोलती इतनी बुरी भी नहीं लगती हो। पता नहीं कहाँ रह गए, अब हमें कैसे पता चलेगा कि कुंवर प्रताप क्रोध में या भी प्रसन्न है। पक्का बारात में ही होंगी, उसी को देख रही होंगी। रमा फूल को लेकर आइए शीघ्र से शीघ्र, हम उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। कब से बोलिए उन्हें जाके शीघ्र से शीघ्र, अवश्य वो बारात ही देख रही होंगी, जानते हैं हम। रमा छोटी माँ कभी नहीं चाहती थी कि हमारा आपसे विवाह, हमें नहीं पता कि महारानी उमा देवी जी के षड्यंत्र में इनका कितना हाथ है, किंतु हम इतना अवश्य जानते हैं कि ये उनसे अधिक जानती है इन षड्यंत्रों के बारे में। रमा आपने ये तलवार चुराई थी, इसे आप हमारी कक्ष में रखते आइए ताकि सबको लगे ये तलवार हमने चुराई है, ताकि ये विवाह रुक जाए। हम ये सोच भी नहीं सकते थे आप
वाली हल्दी में विषाक्त रसायन मिला दी ताकि जब उन्हें लगन वाली हल्दी लगे तो आप जैसा सोच रही हैं वैसा नहीं है। हे भगवान, ये क्या करेंगे आप? शब्द से क्षमा मांगने आए थे। हमारे बीच में जो कुछ भी हुआ उसे ठीक करने आए थे। फूल, आपने सही कहा था, ये तलवार उमा जीजा ने चुरा ली थी, हमें उन्हीं के कक्ष से मिली। हम जानते हैं कि आप हमारी बात का विश्वास नहीं करेंगे, पर हम सच कह रहे हैं। मृत्युदंड तो नहीं देंगे ना? हाँ, मृत्युदंड तो नहीं देंगे। हमने सोचा ही नहीं था कि हमसे इतनी बड़ी भूल हो जाए। हमने सोचा कि भूल हो जाएगी और क्षमा मांग लेगी तो सब ठीक हो जाएगा, है ना? झूठ, आप झूठ बोल रही हैं। आप ही आज जब से क्षमा मांगने नहीं आई थी, आप यहाँ इसलिए आई थी ताकि आप अजबदे को मार डालें। ये सच नहीं है। हम तो अजबदे के साथ सब कुछ ठीक करने आए थे। और कितनी नासमझ है आप? क्या सोच रही है आप छोटी माँ? इतनी सरलता से कोई मार सकता है कुंवर प्रताप की होने वाली बिंदनी को? कोई नहीं मार सकता, कोई भी नहीं। चाहे आप जितना भी प्रयास क्यों ना कर लें। सुरक्षा, पकड़ लो इन्हें। भूल, और काल कोठरी में बंद कर दो। नहीं भूल, ऐसा मत कीजिए भूल। और तब तक बंद रखो जब तक मेवाड़ नरेश ने मृत्यु दंड ना दे दे। भूल नहीं, भूल ले जाने। नहीं भूल, ऐसा मत करो भूल। मृत्यु दंड मत दीजिए हमें, भूल रोक लीजिए भूल ने। भूल सुनो, इस दर्पण को भी सजा दो शीघ्र, और इस फूलदान में नए सुगंध वाले फूल लगाओ। ये कैसे लगाए हैं? और ये आंगन वाली बिछावन ये भी बदल दो, चमकते खिले खिले रंग वाली बिछावन बिछाना, ठीक है? गिरजा जी, वो दूसरे वाले कक्ष की तैयारियां भी चल रही है ना? जी महारानी साहब, उस दूसरे कक्ष की शैया को आपके मंगाए हुए फूलों से सजा दिया है। आप चलकर एक बार देख लीजिए। वाह जीजा वाह, आपने इस कक्ष को कितना अच्छा सजाया अजबदे के लिए। हाँ, वैसे तो अजबदे कई बार रह चुकी हैं इस महल में, किंतु मेवाड़ की कुंवरानी के रूप में पहली बार आ रही हैं, इसीलिए उनके स्वागत के लिए ये सब तैयारियां। और जब तक वो अपने आप को सहजना बना ले यहाँ पर, हम स्वयं रहेंगे उनके साथ। अच्छा जीजा, हमने अभी अभी देखा बहुत सुंदर सुंदर गुलाब पुष्प महल में लाए जा रहे हैं, बहुत सारे, वे किस लिए हैं? वो तो विवाह के उपलक्ष में मंगाए, कोई विशेष बात नहीं। सेंती महल में बारात पहुंच चुकी होगी अब तक, है ना? जी महारानी। चलिए की मनोदशा को लेकर हमारा मन तनाव में है। अच्छा फूल, आपने तो कुंवर प्रताप को देखा था ना? वे प्रसन्न थे या क्रोध में थे? आप भी ना जबती बाल्टी खाल निकाल के बैठ जाते। हमें सच बताइए, हमसे कुछ मत छुपाइए, हमें कुछ नहीं होगा, विश्वास कीजिए मेरा, बताइए हमें सच। क्या बताया जबती?
सच कहें तो कुंवर प्रताप प्रसन्न नहीं लग रहे थे। हाँ हम गलत भी हो सकते हैं, हम कोई त्रिकालदर्शी साधु थोड़ी नहीं आ सकते। हे भगवान, इसका अर्थ ये हो कि अभी भी हमसे क्रोध में है। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि आप उन्हें ठीक से समझ ना पाई हो, है ना? हो सकता है ना ऐसा? हाँ हो सकता है, किंतु जब तक हमें पता है क्या करना चाहिए। क्या करना है? हम ना आपको चोरी छुपे एक स्थान पे ले चलते हैं, जहाँ से आप कुंवर प्रताप को छुप छुप के देख सकती हैं। उसके बाद उनकी मनोभावना का विश्लेषण करते रहेगा उन्हें देख देख के, ठीक है? और उसके उपरांत आपको हमारी सहायता की कोई आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। नहीं नहीं फोन, ये तो अपशगुन हो जाएगा। नहीं अजुब, कोई अपशगुन नहीं होगा। हम कह रहे हैं ना, हमने स्वयं हंसा मास्टर जी से पूछा था और उन्होंने कहा हमें कि बीनी को तो अपने बीन की बारात देखनी चाहिए, और वो भी चोरी छुपे। चलिए। नहीं हम कह रहे ना, आइए अजुब, कुछ नहीं हो, आइए। ये क्या सोच लिया हमने, क्या सोच लिया? अजब देखो मार के स्वयं मरने की योजना बना ले। हे भगवान, क्यों बनने दे रही आप अजब देखो, इतना महत्वपूर्ण है। एक बार तो सोचा होता हमारे कुंवर जगमाल, हमारे कुंवर जगमाल का क्या होगा? हमारे जाने के बाद उन्हें उन्हें राजा कौन बनाएगा? मूर्ख है आप देर भाई जी, उच्च कोटि की मूर्ख है आप। नहीं नहीं देर भाई जी, आपको एक ऐसी योजना बनानी है जिससे किसी का भी संदेह आप पर ना जाए। ध्यान से सोचें, सही समय पर सही योजना बनानी है। सारी बारात सजे और बाजे है शहनाई, रंगोरी रुत आई। हाँ कुंवर सारी बारात सजे और बाजे है शहनाई, रंगोरी रुत आई। कुंवर सा झूम झूम मैं गावा, खुशी से ढोल मृदंग बजावा। इन घोड़ी ने खूब सजावा, बने जो दूल्हे हैं, बने जो दूल्हे हैं, बने जो मामा जी। अब हम समधी हैं और समधी बराबरी के होते हैं, भाई आने वाली है, इसलिए आइए गले मिल जाइए हमारे। नहीं है अजब से, आइए राम मामला जी। ले चलो घोड़ी कुंवर सा, जल्दी लाओ भाई सा। कुंवर सा धन्य हुए प्रजाजन, भाई सा आने वाली है, कैसे बताएं शब्द नहीं है अजब से एक खुशहाली। लड़की के मामा होने के बाद भी बारात के साथ आने के लिए हम आपसे क्षमा चाहते हैं। चाहे आप बारात के साथ आए या बारात का स्वागत करें, लड़की के मामा का जो आपने कर्तव्य निभाया है वो रक्त के संबंध से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। पहुंची राज को स्वीकार हो तो हम अपनी ये पुश्तैनी तलवार पूरे आदर और सम्मान के साथ पहुंची राज प्रताप को तिलक में भेंट करना चाहेंगे। मामरख जी, हमारे प्रति अपना ये आभार व्यक्त करके आप हमें लज्जित कर रहे हैं। हमने तो जो कुछ भी किया है वो अपनी बहन की पुत्री के लिए किया है। सा देते हम ये दुआएं, पग पग लेते सारी बलाएं, जो है आपका ही हुकुम, राख जो आशीर्वाद, राख जो आशीर्वाद, राख जो आशीर्वाद। कुंवर सा धन्य हुए प्रजाजन, भाई सा आने वाली है, कैसे बताएं शब्द नहीं है अजब खुशहाली है। ले चलो घोड़ी कुंवर सा, जल्दी लाओ भाई सा। वाह जब दे, क्या विहंगम दृश्य है, और बीन राजा एक
इतनी सुंदर कैसे भव्य बारात है अजब दी, देखिए देखिए क्या हुआ, आप तो देखने रह गया कुंवर प्रताप, हमें तो स्पेशल नजर आ रहा है। ठीक है, हमें नहीं देखा कुंवर प्रताप, वैसे भी आप देख ही रही ना, और हम जानते हैं कि वे हमसे क्रोध में, कोई बात नहीं, क्या करें आप, जब हम उनसे मिलेंगे तब देखा जाएगा, अभी हम कुछ कर भी नहीं सकते। अच्छा ठीक, अच्छा ठीक है, देखिए आप देख जाएंगे, मैं वो देखिए वहाँ वो रहे हो, आपके ऊपर तो विपरीत मनोज्ञानी काम करता है, जब देखो यदि हमने ना बोल दिया तो आप फिर मुँह से हाँ ही निकलेगा, और जब हम हाँ कहेंगे तो आपके मुँह से अवश्य ना निकलेगा। रही थी, वे अभी भी हमसे निराश है। ये भगवान, हम तो आशा कर रहे थे कि हम गलत हैं इस बार। रावत जी, घम्मा घड़ी, स्वागत है आप सबका। रावत जी, अपनी बहन के लिए दूल्हे राजा तक पहुंचने का मार्ग नहीं बनवाएंगे आप? फिर सोच लीजिए कुंवर प्रताप, ये अंतिम बार है जब हम आपको जमाई राजा वाला सम्मान दे रहे हैं, इसके बाद तो हम आपको केवल पुत्र वाला स्नेह देंगे, कोई आपत्ति तो नहीं है ना आपको? आपत्ति तो नहीं, इसमें कैसी आपत्ति हुई, ये तो आपका आदेश है, इसे ना मानने के लिए विकल्प भी नहीं है हमारे पास। रावत जी, हमें समझ में नहीं आता कि कुंवर प्रताप ने परिहास का गुण सीख कहां से लिया। अपने पिताजी पर गए हैं और क्या। अब आप सब भीतर जाइए, हम और बाकी स्त्रियां कुंवर प्रताप को तोरण चार का संस्कार कर लेकर आती हैं। आपका साहस कैसे हुआ हमारी छोटी मां पर उंगली उठाने का,
किसी को भी इस परिवार में फूट डालने की अनुमति नहीं दी जा सकती। कोई भी हमारे और हमारी माओ के बीच मतभेद नहीं पैदा कर सकता। आप भी नहीं। अच्छा जी, ये क्या करेंगे आप? यदि आप इस तरह घूमेंगी ना तो आपका ये सुंदर लहंगा खराब हो जाएगा। देखिए, ये लहंगा ना ऐसे घूमने के लिए नहीं, दौड़ने भागने के लिए नहीं है, इसलिए शांति से आप एक स्थान पे बैठ जाइए। समझ गई? फूल, हमारा मन बहुत घबरा रहा है। क्या हम किसी भी प्रकार से कोर प्रताप से विवाह से पहले मिल सकते हैं क्या? क्षमा कीजिए जब दी, किन्तु अब लड़ने रूठने मनाने का समय नहीं है, वो समय चला गया। आप शांति से एक स्थान पे बैठ जाइए, आसन पर ही बैठ जाइए ना। हम तो चले अपने साली वाले काम करने। साली वाले? हाँ, हम कुंवर प्रताप की साली हुए ना। आपका कहने का तात्पर्य है कि आप हमारी बहन है ना? ठीक, और फिर हमें दिशा दीजिए कि ये सब ठीक कैसे होगा। ना जाते, हम ही आपके साथ बैठ के विवाह का आनंद तो खराब नहीं करेंगे। क्षमा कीजिए जल्दी, आप यहाँ बैठे बैठे ये सोचती रहिए, यदि ये होता तो क्या होता, और वो हो जाता तो ऐसा हो जाता, ठीक है? और हाँ, आप ना व्यर्थ में घूमिएगा मत, नहीं तो आपका लहंगा खराब हो जाएगा, ठीक है? कुंवर प्रताप, महल में प्रवेश से पहले तोरण चार संस्कार संपन्न किया जाएगा। यह एक प्रतीकात्मक संस्कार है। इसका अर्थ यह हुआ ना पंडित जी कि हम अपने होने वाली पत्नी को ये संदेश प्रेषित कर रहे हैं कि हम आ गए उन्हें लेने के लिए। आखिर मित्र किसके है? पंडित चक्रपाणि मिश्र के, तो संस्कार और परंपरा का ज्ञान तो होगा ना इन्हें, नहीं बाजीराज? हाँ हाँ चक्रपाणि, हम भी यही सोचते रहते कि यदि आप हमारे जीवन में नहीं होते तो फिर पता नहीं क्या होता हमारा। अरे विवाह तो दूर, हम पूजा भी नहीं कर पाते। ठीक है, वीर पुरुष के हाथ में केवल इतनी सी शक्ति? इन्हें भी अभी आना था। सुनिए कुंवर प्रताप, हम बिंदी की बहन हैं। यदि भविष्य में आपको अपनी बिंदी से महत्वपूर्ण कार्य सिद्ध करवाने तो हमारा भी ध्यान रखना होगा, हमारा भी सम्मान करना होगा आपको। तो चलिए दिखाइए अपना शौर्य। जो आ गया फूल कवर। ये हुई ना बात। राव मामरक जी, ये पड़ला है मेवाड़ राजघराने के वंशानुगत आभूषण और वस्त्र है। परंपरा के अनुसार पीढ़ी की सबसे बड़ी भिंडी अर्थात भावी महारानी कुंवरानी विवाह के पश्चात इसे पहनकर महल में प्रवेश करती है। चूंकि कुंवर प्रताप अपने भाइयों में सबसे बड़े हैं, इसलिए यह अधिकार अजबदे को मिलता है। जवंता बाई जी की भी विदाई इन्हीं वस्त्रों आभूषणों में हुई थी। यह परंपरा बप्पा रावल जी के समय से चलती आ रही है, इसलिए परंपरा के अनुसार अजबदे की विदाई इन्हीं वस्त्रों आभूषणों में होनी चाहिए। स्वीकार कीजिए। जो हुकुम। रुकिए, फूल आप ये पाडला अपनी सहेली अजबदे को दे आएंगी? राहु जी, आपने तो हमारे मुंह की बात छीन ली। आइए। ये देखिए अजब। जब इसे रानी माने पहना होगा तो कितनी सुंदर लग रही होंगी ना वे। आपको तो आवश्यकता ही नहीं है सोचने की कि विदाई के समय
तो कैसी लग रही होंगी इन वस्त्रों को पहन के? जब आपकी विदाई होगी ना, तो अपने आप को देख लीजिएगा। उसी क्षण आपको पता लग जाएगा जब तक कि वे कैसी लगी होंगी। क्या हुआ फूल? आप हमारी सबसे अच्छी सखी कि हम जानते हैं कि आप ही जानती हैं कि तू हमारे महल में, हमारी पीठ पीछे, हमारे परिवार वाले आपको हमारी सखी ने हमारी दासी बोल देते, और अभी अभी यहाँ जाने से पूर्व हमारी दादी ने इतने अपमानित ढंग से आपको सामंत पुत्री कहा, किंतु उनके सामने कर से कह सकते कि देख लो अपनी आंखों से, अब हमारी सखी मेवार की महारानी होने वाली है। ये लाल फूल की लड़िया यहाँ पर लगा दो और बाकी सब एक एक करके आगे लगा दो। वाह वाह जीजा, आपने तो इस पूरे कक्ष को भांति भांति फूलों से भर दिया है। ये सब किसके लिए जीजा? वीरबाई जी, आप देख रही हैं ना हम कितनी व्यस्त हैं, फिर भी आप हमें विचलित कर रही हैं। क्षमा कीजिए जीजा। हम आपको बताते हैं ये कक्ष हम किस लिए सजा रहे हैं। आइए। लीजिए, आज ही हमारा विवाह है और आज ही आप हमें दंगल ले आए। हाँ तो हमें भी तो पता चले जो हमारी सबसे प्रिय सखी से विवाह कर रहा है वो कितना समर्थवीर है। समर्थवीर? पावजीरत से अधिक समर्थवीर है ही कौन चक्रपाणि। इन्हें करने दीजिए अपने मन की। तो बताइए फूल, क्या चाहती हैं? कुंवर प्रताप, आप इस अश्व को देख, ये मारवाड़ का सबसे उच्च वनकाश, इसे मारवाड़ से यहाँ तक 10 अश्व सेवक लाए। इसने जीवन भर अपने ऊपर नहीं तो किसी को बैठने दिया और ना ही ये कभी धरती पे बैठा, और हमने सुना है कि आप तो किसी भी अश्व को अपने नियंत्रण में कर सकते हैं। तो ठीक है, करिए इस अश्व को अपने नियंत्रण और फिर कर लीजिए हमारी अयोध्या से विवाह। ये कैसी चुनौती है? अश्व कभी बैठते गए धरती पे? असंभव है ये। हजरत, विवाह से पहले वेश धारण करने के बाद हम इन्हें षड्यंत्र में फंसने नहीं देंगे। वेश चाहे कैसा भी धारण कर ले चक्रपाणि, रात में से तो हम योद्धा ही है ना, और योद्धा वो जो हर समय हर चुनौती के लिए तैयार है। देख लेते इस अश्व को।
जानते थे आप लोग बीन राजा को चैन से नहीं बैठने देंगे। अरे आराम से बिठाइए उन्हें, विश्राम तो कराइए थोड़ा। ठीक है मासी जी, जैसी आप क्या क्या। ठीक है। आइए कुंवर पिता, हम आपको विश्राम करवाते हैं। कुंवर प्रताप, हंसा मासी जी चाहती है कि आप विश्राम करें, तो ठीक है कीजिए आप विश्राम। बात क्या है? नहीं। चिंता ना करें, हम सब जान चुके। क्या जान चुके हैं आप सब? चक्रपाणी, आपके पेट पे थोड़ी सी बात बच नहीं सकती क्या? नहीं नहीं, आप बताइए क्या जान चुके हैं आप? कुछ नहीं, अब हटाइए इस बात को। नहीं कुंवर पिता, अब तो आपको बताना ही पड़ेगा। चलिए बताइए बताइए क्या जानते हैं। यही आपकी टूटी चारपाई और इसके नीचे रखे पापड़ और इस पापड़ वाली चादर के नीचे हमारी पूरी बैठने की व्यवस्था, और यदि हम इस पर बैठते तो संभवतः ये कुछ ऐसा स्वर सुनाई देता। अरे इसमें हंसने की क्या बात है? किंतु आपको कैसे पता लगा? क्योंकि हमारा नाम कुंवर प्रताप सिंह, जानते हैं हम। किंतु फिर भी कुंवर प्रताप, यदि आपको इसके बारे में पता था तो फिर आप बैठने क्यों जा रहे थे? वो हमने सोचा कि हमारी सालियों को भी कभी जीतने का अवसर मिले। अब आपने देखा नहीं, बाहर उस मारवाड़ी घोड़े ने भी आपको हरा दिया, और फिर अब इस चार पाए भी आप जैसे प्रिय साली को हम हरा देते तो फिर हमें जीत कर भी आपकी मुस्कान छीन कर अच्छा नहीं लगता। हुकुम, वर के मंडप में बैठने का समय हो गया है, सब आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। कुंवर साहब आप चलिए, हम अभी आए।